हाय गाइस, तो आज बात करने वाले हैं व्हाट इज एनएफपीए डायमंड, एनएफपीए डायमंड क्या है, उसके बाद इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं जैसे ब्लू है, रेड है, येलो है, वाइट है, उसका क्या मतलब होता है, और जो इसमें नंबर रेटिंग होता है 0, 1, 2, 3, 4 किस नंबर का क्या मतलब निकलता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एनएफपीए के बारे में जानते हैं। एनएफपीए क्या है? द नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एनएफपीए इज ए ग्लोबल सेल्फ फंडेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1896 इन यूएसए, डिवोटेड टू इलिमिनेटिंग डेथ, इंजुरी, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द फायर, इलेक्ट्रिकल एंड रिलेटेड हैज़र्ड्स। सबसे पहले आप जानिए कि एनएफपीए क्या है। तो एनएफपीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्वयं एक संस्था है जो सेल्फ फंडेड और नॉन प्रॉफिट क्या है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1896 में यूएसए में हुआ। इनका मकसद यह था कि फायर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी हैज़र्ड्स होते हैं, इंजुरी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, या इस तरह का कोई भी डेथ होता है, उसका रोकथाम करना और उसको खत्म करना, यही उद्देश्य के साथ एनएफपीए का स्थापना 1896 में यूएसए में हुआ। आगे देखिए, एनएफपीए इज मोस्ट पॉपुलर एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड कोड्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और एनएफपीए ऐसा नहीं है कि कोई गुमनाम संस्था है, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम है और पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किए जाते हैं और इसके कोड्स और इसके जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको सब लोग मानते और पालन भी करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 300 कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन्ड बाय एनएफपीए टू मिनिमाइज द रिस्क एंड इफेक्ट ऑफ फायर बाय एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग, प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, सर्विस एंड इंस्टॉलेशन अराउंड द वर्ल्ड। और लगभग 300 से ज्यादा इसके कोड्स हैं और हर कोड का अपना एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि किसी बिल्डिंग को बनाएं तो किस क्राइटेरिया के अंदर बनाएं, क्या प्रोसेस होगा बनाने में, उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या उसमें इंस्टॉल करेंगे कि हम आग जैसे भयानक आपदा से क्या कर सकें, है ना, अपने आप को सेफ रख सकें। एनएफपीए इज कंडक्टिंग सेवरल सर्टिफिकेशन एग्जाम सच एज, और एनएफपीए बहुत सारे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एनएफपीए के वेबसाइट में जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और जो उनका मिनिमम चार्ज है वो चार्ज पे करके आप जो भी उनका क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फॉरेन में काम करते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को काम करवाती हैं तो एनएफपीए से क्यों वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाती हैं, समय समय पर ट्रेनिंग करवाती हैं, ताकि वो सर्टिफिकेट हो जाने से आपके अंदर स्किल पैदा होता है और आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हाँ हमको इस बात का नॉलेज है। अगर आप एनएफपीए का वेबसाइट खोलेंगे तो नंबर 1 एनएफपीए 1 से लेकर के 300 तक कोड्स हैं इनका। हर कोड का अपना अलग अलग मतलब है, उसका अलग अलग अर्थ है, अलग अलग उसके प्रोसेस हैं और हर कोड का अलग अलग जो है ना रूल और नियम बनाया हुआ है। अगर आपको अधिक जानना है, समझना है इनके कोड्स के बारे में, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इनके एक सर्टिफिकेट है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट CFPS। अगर आपको यह सर्टिफिकेट चाहिए CFPS वाली, यानी फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। सर्टिफाइड फायर प्लान एग्जामिनर, फायर प्लान एग्जामिनर अगर आपको बनना है CFPE, तो आप ये वाले कोर्स को कर सकते हैं।
सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंप्लायंस प्रोफेशनल CESCP अगर लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफाइड वाटर बेस्ड सिस्टम प्रोफेशनल CWBSP अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी आप ले सकते हैं। आपको चुनना है कि हम किस विभाग से रिलेटेड हैं और कौन सा हम सर्टिफिकेट लेंगे जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ अंडरस्टैंडिंग द फायर डायमंड। एक्चुअली हम लोग जो NFPA बात करने वाले हैं 704 के बारे में बात करने वाले हैं। कोड इसका क्या है 704। यू प्रोबेबली हैव सीन NFPA 704 और द फायर डायमंड और केमिकल कंटेनर्स, है ना। आप लोग अक्सर देखे होंगे जो केमिकल कंटेनर्स होते हैं उसमें NFPA फायर डायमंड का चित्र क्या होता है, बना होता है। कैसा होता है, इस तरह का है ना, फायर डायमंड जो है आपको बना हुआ मिलेगा। इसका कोड कितना है 704 यानी 704 इसका कोड है। द नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉल्ड NFPA 704 एज ए केमिकल हैजर्ड लेबल। और अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर अक्सर देशों में ये चल रहा है कि केमिकल हैजर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो सब NFPA 704 के तौर पे जाना जाता है, उसको बोला जाता है और वो केमिकल के ऊपर उसका डायमंड शेप क्या होता है, बना हुआ भी होता है। NFPA 704 समटाइम्स इज कॉल्ड ए फायर डायमंड और NFPA 704 को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, फायर डायमंड भी कहते हैं। इसको डायमंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायमंड शेप में है। किस शेप में है, डायमंड शेप में, इसलिए इसको डायमंड भी कहा जाता है। अगला है कि बिकॉज द डायमंड शेप्स है ना साइन इंडिकेट द फ्लेमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड ऑल्सो है ना कम्युनिकेट्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम शुड डील विद द मटेरियल इफ देयर इज अ स्पील फायर और अदर एक्सीडेंट। क्योंकि इसका शेप जो है वो क्या है, डायमंड शेप्ड में है और इसमें यह बताया जाता है और इसमें बहुत ही अहम जानकारी और अहम इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है ताकि अगर किसी तरह का कोई इमरजेंसी हो जाता है या किसी तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है तो किस तरह से रेस्पॉन्स टीम जो होती है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, वो किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा। जैसे कभी कोई केमिकल स्पिल कर जाता है या आग लग जाती है या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में किस तरह से उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा, उन सारी चीजों को क्या किया जाता है, इसमें डिस्कस किया जाता है और बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग NFPA के बारे में। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देयर आर फोर कलर्ड सेक्शन ऑन द डायमंड। इस सेक्शन इज लेबल्ड विद अ नंबर फ्रॉम 0 to 4 इंडिकेट द लेवल ऑफ हैजर्ड। NFPA डायमंड जो होते हैं वो चार कलर में होते हैं। कितने कलर में होते हैं, चार कलर में होते हैं। रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं और व्हाइट होते हैं। और उसमें चार नंबर भी होता है, हर नंबर अलग अलग हैजर्ड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जीरो इंडिकेट करता है नो हैजर्ड, जीरो इंडिकेट करता है नो हैजर्ड, जीरो क्या इंडिकेट करता है, नो हैजर्ड, समझ गए। उसके बाद वन की अगर हम बात करें, वन इंडिकेट करता है स्लाइटली हैजर्ड। वन क्या इंडिकेट करता है, स्लाइटली हैजर्ड यानी हल्की पुल्की हैजर्ड। ठीक है, उसके बाद टू जो इंडिकेट करता है क्या करता है, हैजार्डस यानी थोड़ा सा क्या करता है, वो जो एक खतरा जो स्लाइटली से थोड़ा सा क्या हो, वो ज्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, स्लाइटली है या हैजार्डस भी कह सकते हैं। और थ्री इंडिकेट करता है एक्सट्रीमली डेंजरस यानी अधिक खतरनाक, जबकि फोर बताता है सिवियरल हैजर्ड और डेडली, है ना, सीवियर हैजर्ड और डेडली यानी बहुत ही खतरनाक या बहुत ही जानलेवा। ठीक है,
फिर से इसको एक बार रिपीट कर दें, एनएफपीए डायमंड में चार शेप होते हैं, ठीक है, चार शेप के चार कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो और वाइट, ठीक है। चारों शेप को बताने के लिए कि जैसे मान के लिए रेड है तो वो कितने सिवरिटी में है, उसको दर्शाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए जो हैजर्ड है, उस हैजर्ड को इंडिकेट करने के लिए जीरो से लेके फोर तक हम क्या करते हैं, नंबर रेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर जीरो रहता है तो इसका मतलब होता है कि हैजर्ड नहीं है, वन है तो उसका हल्का हैजर्ड है, टू है तो थोड़ा ज्यादा हैजर्ड है, तीन है तो बहुत ज्यादा हैजर्ड है, चार है तो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हैजर्ड है। अब हम बात करेंगे रेड सेक्शन की। जो डायमंड शेप आप देख रहे हैं रेड कलर का है, तो ये रेड कलर किस लिए होता है? द रेड सेक्शन इंडिकेट्स फ्लेमेबिलिटी हैजर्ड। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है ज्वलनशील। जो लाल कलर का जो डायमंड शेप होता है वो ये दर्शाता है कि इसमें आग तो लगेगी, लेकिन किस तरह की आग लगेगी और आग लगने का क्या तीव्रता होगा। ब्लू जो सेक्शन होता है वो ये बताता है कि हेल्थ हैजर्ड, यानी ये जो केमिकल्स है ये हेल्थ के लिए क्या है, खतरनाक है, ठीक है। येलो ये रिएक्टिविटी या एक्सप्लोसिविटी जो होता है हैजर्ड उसको दर्शाता है, यानी ये केमिकल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है या किस तरह से ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, उस चीज को क्या करता है, दर्शाता है। जबकि जो वाइट सेक्शन होता है वो किसी भी स्पेशल हैजर्ड्स को क्या करता है, बताता है। अब इसको यूं समझिए कि अब हम लोग यहां आते हैं, इससे समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो आप डायमंड शेप देख रहे हैं, अगर रेड कलर में जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये केमिकल कोई खतरनाक नहीं है आग से रिलेटेड, यानी इसमें आग लगने की संभावना नहीं है। अगर इस लाल कलर में वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हल्की फुल्की आग लग सकती है। उसके बाद अगर टू लिखा हुआ है ज्यादा आग लगेगी, थ्री लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा आग लगेगी, फोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब खतरनाक आग लग सकती है। और आग लगने का अलग अलग क्या होता है फिर लेवल भी बताया जाता है, ठीक है। यानी जैसे यहां दिया है फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट का मतलब एक ये भी होता है कि अगर रेड कलर में जीरो है विल नॉट बर्न, ये जलेगा नहीं, ठीक है। अगर एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 200 फारेनहाइट से अगर ज्यादा अगर तापमान होगा तभी ये क्या होगा, जलेगा, ठीक है। उसके बाद है अगर दो नंबर इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि 200 से कम ही अगर होगा तो इसमें आग, यानी तापमान अगर इसको दिया जाए तो आग लग जाएगी। और अगर तीन लिखा हुआ है तो 100 फारेनहाइट से भी कम अगर तापमान के संपर्क में अगर आ जाए ये तो क्या होगी, आग लग जाएगी। और यहां दिया है चार नंबर अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 73 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान में भी आग लग जाएगी। समझ में आया? यानी नॉर्मल एक आदमी का तापमान कितना फारेनहाइट होता है, 96-97 होता है, और गर्मी के दिनों में उसको 100 क्या है माना जाता है। यानी एक इंसान के तापमान से भी तापमान कम होगा अगर वहां तो आग लग जा सकती है, अगर चार नंबर लिखा रहेगा किसमें, रेड कलर में। अब हम लोग बात करेंगे ब्लू कलर की। अगर ब्लू क्या है, हेल्थ हैजर्ड है। ब्लू का मतलब क्या होता है, हेल्थ हैजर्ड। तो अगर ब्लू कलर में जीरो लिखा हुआ है तो मतलब है कि इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर ब्लू में वन लिखा हुआ है तो हेल्थ के लिए हल्का खतरा है। अगर ब्लू में दो लिखा हुआ है तो हैजार्डस है, यानी खतरनाक है। और अगर ब्लू में तीन लिखा हुआ है तो हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है। अगर ब्लू कलर में चार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जानलेवा है, अगर किसी के हेल्थ को अटैक करता है तो उसकी जान जा सकती है। अब हम बात करेंगे येलो कलर की, है ना। जीरो लिखा है तो इसका मतलब स्टेबल, यानी ये केमिकल फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। इनस्टेबिलिटी का मतलब यही होता है जो, या रिएक्टिविटी या एक्सप्लोसिविटी जो होता है ना, यानी ये किस तरह से ब्लास्ट कर सकता है, किस तरह से फैल सकता है,
किस तरह से इनस्टेबल ये हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। और येलो कलर की क्या दर्शाता है, यानी रिएक्टिविटी और एक्सप्लोसिविटी को क्या करता है, दर्शाता है। अगर वन कलर है अनस्टेबल इफ हीटेड, यानी कहना ये चाहते हैं अगर एक नंबर लिखा हुआ येलो कलर में तो अगर ये केमिकल को हीट किया जाए तो ये क्या होगा, फैलना शुरू होगा, तापमान मिलेगा इसको तो ये क्या करेगा, फैलेगा। अगर दो नंबर लिखा हुआ है तो दोनों का मतलब है कि वायलेंट केमिकल चेंजेस, यानी ये केमिकल बहुत तेजी से क्या कर सकता है, वायलेंट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। अगर तीन नंबर लिखा हुआ है शॉक एंड हीट में है ना डिटोनेट, यानी अगर हीट वगैरह होता है या अगर इसको झटका लगता है तो बहुत तेज ये क्या करेगा है ना, रिएक्ट करेगा या इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चार नंबर है तो बहुत भयानक ये क्या करेगा है ना, खतरनाक खतरा पैदा करेगा। तो इसी चीज को भी यहां दिखाया है। अब हम लोग चलते हैं व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में देखते हैं कि व्हाइट कलर में स्पेशल हैजर्ड्स को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे W लिख करके काट दिया मतलब वाटर इस केमिकल में यूज नहीं करना है। OX लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजर है। SA लिख दिया है तो मतलब है ना क्या है, सिंपल है ना एस्फिक्सिएंट है। ठीक है, और अगर एसिड लिख दिया है तो मतलब ये केमिकल एसिड से रिलेटेड है ना। और ALK लिख दिया तो मतलब एल्केली है, और COR लिख दिया मतलब कोरोसिव है। और ये जो तीन पंखी जैसा दिखा रहा है ऐसा अगर आपका सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब होता है रेडिएंट हैजर्ड है। ठीक है, अब यहां कहना ये चाहते हैं कि हैजार्डस मटेरियल्स कोड इंडिकेशन, अब इसमें यह बताना ये चाहते हैं रिकमेंडेशन प्रोडक्शन क्या होगा। अगर हम जीरो पे रहेंगे यानी इस केमिकल पे जीरो लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, नो प्रिकॉशंस नेसेसरी, हमें यहां प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वन लिखा हुआ है यानी स्लाइटली हैजार्ड्स है ना, ब्रीदिंग अपराटस मे बी वॉन, तो हमको ब्रीदिंग अपराटस लगा करके काम करना है। दो में क्या करना है, ब्रीदिंग अपराटस विल फुल फेस मास्क शुड बी ऑन। दो नंबर अगर है तो ब्रीदिंग अपराटस हमको लगाना है, वो भी कौन सा, फुल फेस मास्क जो पूरे चेहरे को क्या करता है, ढक लेता है। तीन नंबर अगर है हेल्थ के लिए तो लिखा है कि ये क्या है, डेंजर है, फुल प्रोटेक्टिव एंड सूट एंड ब्रीदिंग अपराटस शुड बी ऑन, पूरे शरीर को ढकने वाला जो आपका सूट आता है वो पहनना है प्लस ब्रीदिंग अपराटस भी लगाना है। चार नंबर जो डेडली में आता है तो इसका मतलब होता है कि स्पेशल फुल प्रोटेक्टिव सूट एंड ब्रीदिंग अपराटस मस्ट बी ऑन, इसमें हर हाल में आपको ब्रीदिंग अपराटस लगा के ही काम करना है। और हमें फुल बॉडी जो कवर होता है, सूट जो होता है, जैकेट होता है, वो लगा करके हमको काम करना है। अगर रेड में हम लोग बात करें तो ये जलेगा नहीं, और 200 या उससे ज्यादा अगर कोई भी वहां अगर इग्नाइट होता है तो आग लग जाएगा। दो नंबर अगर रेड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हल्की सी तापमान यानी 200 से ज्यादा कम ही के तापमान में इसमें आग लग सकती है। इसमें है कि 100 या 100 के अंदर के तापमान में इसमें आग लग सकती है। और अगर 4 लिखा हुआ है तो 73 के नीचे ही बहुत तेजी से इसमें क्या होगी, तापमान मिलते ही आग लग सकती है। येलो में बताया है कि नॉर्मल स्टेबल रहता है, नॉट स्टेबल इफ हीटेड है ना, यूज है ना प्रिकॉशन ये केमिकल। एक नंबर अगर पीला में लिखा है तो कहना ये चाहते हैं कि हल्का अगर ये तापमान इसको मिलेगा तो ये क्या होगा, तुरंत है ना फैलने लगेगा, तो हमें प्रिकॉशन लेके काम करना है। और उसके बाद दो नंबर में ये कहना चाहते हैं, दो नंबर में के वायलेंट केमिकल है ना चेंज है ना बट डज नॉट है ना डेटोनेट, ये केमिकल दो नंबर में वायलेंट होना शुरू करता है, तीन नंबर में है ना शॉक और हीट होना शुरू होता है, चार नंबर में बहुत ही खतरनाक कंडीशन में ये क्या होता है, बदल जाता है। तो इस तरह से NFPA की फुल इंफॉर्मेशन होती है। और NFPA का एक पार्ट और भी आपके लिए बनाया जाएगा जो वो कल तैयार करेंगे। ठीक है, और उसको जैसे कि अभी हमने आपके स्क्रीन पे दिखाए हैं ये वाला पार्ट आपको पार्ट टू के रूप में तैयार किया जाएगा। वो हम बताएंगे कि NFPA का बाजाबता एक एक एग्जाम्पल देकर के एक एक चीजों को डिस्क्राइब करके वो बताएंगे
कि किस तरह से हर केमिकल का अपना अपना होता है और कौन केमिकल कितना उसका रेटिंग होता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे कि यहाँ दिखाए हैं बाजाबता कि जीरो किसको कौन सा केमिकल को मिल सकता है, तो पानी को मिलेगा। अगर ब्लू की बात करें, वन किस केमिकल को मिलेगा, तो एसीटोन को मिलेगा। ब्लू कलर में दो नंबर किसको मिलेगा, तो इथाइल और इधर को मिलेगा। तो कंप्लीट इस पर हम पार्ट टू के रूप में आपको इसको तैयार करके देंगे, और एक HMIS जो लेवल है वो भी हम बताएंगे कि वो HMIS लेवल क्या होता है। तो ठीक है, पार्ट टू का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।